मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग आज जितनी पॉसिबल बातें हैं उन सबको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? लेट्स सी। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनिशियल साइट, टर्मिनल साइट, राइट, एंड देन यू हैव मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल, ये सारी बातें हम यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है? आओ एक एक करके इन सबको समझते हैं, राइट? जैसे ये आपने सिस्टम तो देखा ही होगा ऐसा, राइट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये सिस्टम आपने देखा होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? हमेशा जो एंगल हम मेजर करते हैं ना, ध्यान रखना, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मैं इसको ओ बोल रहा हूँ तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स मेजर करते हैं, ध्यान रखोगे आप, ठीक है? इनिशियल साइड हमेशा कौन सी होती है? ओ एक्स होती है, ऑलवेज। आई होप यू विल रिमेम्बर दैट, राइट? हम लोग पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या मेजर करेंगे? ओ एक्स मेजर करेंगे। जैसे अभी ये जो करंट एंगल है, राइट, तो मेरा इसमें इनिशियल साइड क्या है? दिस इज माई इनिशियल साइड। टर्मिनल साइड क्या है? जितना इसने एंगल ड्रॉ किया, ये मेरा यहाँ पे ये टर्मिनल साइड है। अभी ये जो मेरा एंगल है, लेट्स से दिस इज थीटा वन, दिस इज व्हाट? दिस इज थीटा वन, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल एंगल, राइट? लेट्स से दिस इज ये ओ एक्स था, मान लो इसको तुम ओ ए बोल लो, तो तुम्हारा एंगल क्या बनता था बेटा? ये सब तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कौन सा एंगल बनता था? हम बोलते थे एंगल एक्स ओ ए, वट एवर इज द एंगल, हम लोग डिग्री में मेजर किया करते थे, देख लेंगे जो भी है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो ये वाली बात अभी हमारे स्कोप में है। सिमिलरली ये जब आगे बढ़ता है, राइट, ये जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, राइट, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो देखो अभी ये एंगल तुम्हारा, ये जो एंगल है ये बढ़ के थोड़ा बड़ा हो गया, राइट, लेट्स कॉल इट अल्फा टू या थीटा टू, ठीक है? थीटा टू, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल है ना तुम्हारा थीटा टू, दिस एंगल थीटा टू, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट, इट इज द ट्राइंगल दैट इज काउंटेड, दैट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन वेन वी आर लुकिंग फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है? सिर्फ उस ट्राइंगल को हमें देखना पड़ता है, ठीक है? तो उस ट्राइंगल को कैसे देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसको हम देखेंगे अभी। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यू नो कि जनरली आप लोग पहले कैसे करते थे मेजरमेंट? प्रोट्रैक्टर यूज करते थे, है ना? अभी मैं उसको भी आपको पुराने दिन आपको याद दिलाऊंगा, प्रोट्रैक्टर को कैसे आप यूज किया करते थे। हाँ, देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, दैट इज सेंस ऑफ एन एंगल। व्हाट इज दिस सेंस ऑफ एन एंगल? कैन बी टेकन एज पॉजिटिव और इट कैन बी टेकन एज नेगेटिव। कैसे और कब? ये जो आपका रेडियस अभी घूम रहा है, देखो जरा ध्यान से कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों? इट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉक के एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है? दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू हाउ अ क्लॉक रन्स, ठीक है? तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा ये एग्जैक्टली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना बेटा, उसी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, राइट? जब कभी भी आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव एंगल बोलोगे। क्वाइट ऑब्वियस, उसका अपोजिट यानी कि क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है? दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी नेगेटिव एंगल। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, मेजरमेंट, ठीक है, अभी देखते हैं, पहले भी हमने कई देख रखा है, और सेंस ऑफ एन एंगल, इस पे मैंने काफी एम्फसाइज दिया, ठीक है? ओके पलक, योर हैंड इज अप, कुछ पूछना चाह रहे हो बताओ? यस सर, बोलो सर। हाउ वी विल नो सर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? जब कभी भी आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, घड़ी की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है, आप हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एंगल किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? ओ एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर मैं ओ एक्स के रिस्पेक्ट में इस तरफ मूव करा है, राइट, ओ आई की तरफ मूव करा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। वेयर एज अगर मैं इसी को इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ अलोंग दिस साइड, अलोंग द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा होगा? ये माइनस एंगल होगा, माइनस थीटा होगा, ठीक है? ओके सर, ऑल राइट, वंडरफुल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, ये क्या है, ये क्या चीज है भाई? देखो, दिस इज समथिंग दैट यू नो, है ना, ये तुम्हें आता है, ये तुम्हें आता है। सेक्साडेसिमल, ये क्या है? डिग्री है। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स लेते हैं बच्चों, वैसी एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, और ये उनके नाम हैं, राइट? इसमें जो डिग्री है, ये क्या है? ये उसकी बेसिक यूनिट है। जैसे होता है ना किलोमीटर, फीट, इंचेस, सेंटीमीटर, अलग अलग आपके यूनिट्स हैं, राइट? वन फीट इज इक्वल टू सम सेंटीमीटर, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम, आपने देखा होगा कि एक जो आपका इंच होता है वन फिट का, उसमें 12 इंचेस होते हैं और 15 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना? तो वो उनके बीच का क्या है?
अलग सिस्टम है, यहाँ पे भी एंगल के लिए तीन सिस्टम्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आपके बोर्ड के सिलेबस में दो सिस्टम है जो आप तुम्हें पढ़ना है, एक डिग्री और एक सर्कुलर, ठीक है। बट जब तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो उसमें सेंट डेसिमल भी आ जाता है। सेंट डेसिमल में क्या होता है, सेंट डेसिमल में तुम्हारे पास ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, रेडियन, ठीक है, रेडियंस। अभी हम इन सबको एक एक करके समझना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम, सबसे ज़्यादा चीज़ें तुम्हें रेडियंस में ही मिलेंगी, सबसे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। आओ ज़रा देखें ये है क्या, लेट्स हैव अ लुक एट दिस, राइट। आखिर इसमें है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता है ना, यू नो अबाउट दिस, राइट। प्रोटेक्टर है, इसमें तुम ये डिग्रीज में मेजर करते थे, ठीक है। इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप डिग्रीज में मेजर करते थे, हैं। यहाँ पे हम लोग किसी एंगल को ऐसे रख देते थे, है ना, और ये हमारा इनिशियल साइड होता था, तुम्हें ध्यान होगा, राइट। और इसके रिस्पेक्ट में, लेट्स से अगर मैं इसको मेजर करता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना एंगल है, ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज 70 डिग्री, ओके। दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस योर चाइल्डहुड, बिल्कुल बचपन से ये सब तुम यूज करते हो, प्रोटेक्टर को यूज करना, ये तुमने क्या पढ़ा, ये तुम इसमें बहुत कंफर्टेबल हो। इससे थोड़ा आगे हमें आज कंफर्टेबल होना है, आज हमारा सारा फोकस अभी से एंगल्स पे ही होने जा रहा है, ओके। ये क्या है भाई, इनके बीच में रिलेशन क्या है आखिर, जैसे कि फीट में, इंचेस में, सेंटीमीटर में कुछ रिलेशन है, बिकॉज वो सेम चीज़ को मेजर करते हैं, किसको, लेंथ को। वैसे इनमें भी रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज सेम चीज़ को मेजर करते हैं, किसको, एंगल को। तो जो सबसे आसान होता है वो क्या होता है, राइट एंगल। सबसे आसान क्या होता है, राइट एंगल, जिसको हमें देखना सबसे आसान लगता है, राइट एंगल। राइट एंगल जब आप देखते हैं डिग्रीज में, तो आप लोगों को अच्छे से पता है वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्रीज होता है, राइट। आप जब उसको सेंटेसिमल सिस्टम में देखते हैं, यानी ग्रेड्स में देखते हैं, तो वो कितना होता है, दैट इज 100 ग्रेड्स। दैट इज व्हाट, 100 ग्रेड्स। जैसे यहाँ पे डिग्री में स्मॉल जीरो लगाते हो, वैसे ग्रेड्स में स्मॉल जी लगाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सर्कुलर सिस्टम में आते हैं, रेडियंस में आते हैं, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू रेडियंस, पाई बाई टू रेडियंस। रेडियंस के ऊपर ऐसे सबस्क्रिप्ट क्या, सुपरस्क्रिप्ट क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल, राइट, अगर मैं इसको 70 की जगह पे और 90 ड्रॉ करता, तो मैं कहता कि ये सारे एंगल्स कितने हैं, ये सारे एंगल्स हमारे पास बराबर है, ऑल दी एंगल्स आर व्हाट, इक्वल, राइट, ठीक है। तुम स्केल से खींचोगे ज़्यादा अच्छा खींचेगा, मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, ओके। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, 100 ग्रेड्स एंड पाई रेडियंस, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इन तीनों के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जिसपे मैं तुम्हें IIT तक के क्वेश्चंस दिखाऊंगा आज की क्लास में ही, ठीक है। क्या होता है बेटा, लेट्स सी। वन राइट एंगल, क्या मैं इसको, अगर मैं इसको डबल कर दूं, यानी कि मैं बोल दूं टू राइट एंगल, अगर मैं इसमें बोल दूं टू राइट एंगल, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ग्रेड्स कितने हो जाएंगे, 200 ग्रेड्स। और रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियंस, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को ट्वाइस किया ना हमने, ट्वाइस किया तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो इस तरह ये हमारा 70 डिग्री नहीं, अगर हमने इसको चेंज करके 90 डिग्री कर दिया, ओके, 90 डिग्री कर दिया। तो ये बेसिक सिस्टम है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीज़ें, छोटे एंगल्स होते हैं, राइट। जैसे कि सपोज करो मैं तुमसे कहता हूँ टाइम को मेजर करना है, एक मिनट है, मैं तुमसे बोलता हूँ कि 0.25 मिनट्स, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। इफ़ आई एम सेइंग 0.25 मिनट्स, इट साउंड्स स्लाइटली डिफरेंट, राइट, और आई कैन से इट साउंड्स स्लाइटली वियर्ड। तो इसीलिए जो, या फिर मैं बोलता हूँ 0.25 आवर्स, राइट, और आई से 0.15 आवर्स, तो बड़ा अजीब लगता है बोलने में ना। इसीलिए हर चीज़ के लिए एक छोटा सा यूनिट इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे टाइम के लिए क्या है, मिनट्स हैं, मिनट से भी छोटे क्या है, सेकेंड्स हैं। वैसे ही छोटे छोटे एंगल्स को मेजर करने के लिए भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। 0.25 मिनट्स को जब तुम सेकेंड में कन्वर्ट करते हो, तो तुम क्या करते हो बच्चों, 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो ना, राइट। कितना आ जाता है तुम्हारे पास, 25 × 6 = 150, राइट, एंड अलॉन्ग विद अ जीरो और टू डेसिमल, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 सेकेंड्स हो जाएंगे। 0.25 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.25 मिनट इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके। 0.15 आवर्स, इसको अगर मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 × 6 होता है आपके पास 90, राइट, और 90 के आगे एक जीरो, ये 60 वाला आएगा, यानी टू डेसिमल प्लेसेस, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 मिनट। अब ये बताओ 0.15 आवर ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है या 9 मिनट ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगले 0.15 आवर्स में हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी, अजीब सा लगता है, बट मैं कहता हूँ यार अगले 9 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है। उसी तरीके से
छोटी वैल्यूज को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम से भी अलग अलग चीजें हैं, तो वो क्या है? 1 डिग्री जो हमारा सेक्सागेसिमल सिस्टम है, अगर हमें कोई छोटी वैल्यू चाहिए तो इसमें बोला गया है 60 मिनट्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। एक डिग्री को जब 60 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो वो क्या होगा, 1 मिनट होगा। और 1 मिनट को जब हम लोग 60 अलग अलग छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे 60 सेकेंड्स। बोलते नाम यहाँ पे भी वही दिया गया है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 डिग्री जो एंगल है वो 60 मिनट्स के बराबर है, और 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स के बराबर है। ठीक है, आर डी शर्मा के फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड्स की, राइट, ग्रेड्स की। ग्रेड को भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा 1 ग्रेड होता है ना, अगर हमें कोई छोटा वैल्यू मेजर करना है तो यहाँ पे भी इसका नाम दिया गया है, इसको भी 60 मिनट्स ही बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, 60 मिनट्स बोला गया है। और 1 मिनट जो है हमारे पास ग्रेड्स में, इसको भी क्या बोला गया, इसको भी हमारे पास 60 सेकेंड्स बोला गया। ठीक है, डबल डैश लगा देते हैं, यहाँ पे सिंगल डैश लगा रखा है। ऑलराइट चिल्ड्रेन, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ज़रूर से आपके पास ध्यान से होनी चाहिए। ठीक है, आपके नोट्स में ये बातें ज़रूर से होनी चाहिए, स्पेशली जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, जिनको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके नोट्स में या तो अभी या क्लास के बाद आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, और क्या भाई बेसिक बातें हैं, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ये पूरा एक रिलेशन निकल के आ गया, ये सब यहीं से निकल के आ गया, तुमने पढ़ा है। 30 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री अगर तुम्हारे पास पाई बाई टू है, 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा बताओ, तुमने जब 3 से डिवाइड किया तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। तो ये यहीं से निकल के आता है, ये पूरा रिलेशन आपके पास अभी एक क्लास के बाद ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, सब यहीं से निकलता है, अभी देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ बोलो बेटा। सर, आई डिडंट गेट सर दैट रेडियन वन, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड द रेडियन वन? यस सर। ओके, ये बात समझ में आ गई थी कि 1 right angle इज इक्वल टू पाई बाय 2 radians? यस यस सर, राइट। बस इसी तरीके से हम इसको करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हम इस बात पे आएंगे, डोंट वरी। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, सी मैथमेटिक्स में थ्योरी के साथ साथ जब तक हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखते हैं ना, थोड़ा कम समझ में आता है। जब क्वेश्चंस करते हैं तो एकदम से अच्छा दिमाग खुलता है, अच्छा ऐसा होगा क्या, राइट। सो जस्ट डू वन थिंग यूजिंग द सेम आईडी।